गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। अब मॉर्निंग में इस ट्रैफिक पूरा यहाँ भरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आता मुझे, यहाँ से निकालना भी मुश्किल है और क्या बताऊँ आगे कैसा ट्रैफिक जाम। एक काम चल रहा है, ये देख रहे हो, इसके चक्कर में बहुत सारा काम, मतलब आगे भी खुदाई हुई रखी है हर जगह और जाम लगा हुआ है। ये रोज़ का है, कोई मतलब कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए जिसके चलते जाम ना लगे, बट कोई करता ही नहीं व्यवस्था, पता नहीं क्या ऐसा है। देखो जब मतलब इतनी सारी गाड़ियां मार्केट में आ गई हैं, जैसे कि जीप वाले भी बहुत सारी हैं, रूबीकॉन, जीप कॉम्पस, ये सब गाड़ी मार्केट में आई हैं। सेम ऐसे ही क्या बोलते हैं, हुंडई की गाड़ी आई है मार्केट में। सबसे ज़्यादा गाड़ी लॉन्च किया किया ने, क्योंकि किया का न्यू लॉन्च था इंडिया में, तो किया ने क्या किया, हर सेगमेंट की गाड़ी लॉन्च की। मतलब देखो उसकी एक गाड़ी है किया कार्निवल, जो लेमोजिन में फॉर्चुनर के रेंज में, मतलब वो फॉर्चुनर को मतलब कंपटीशन दे सकती है। उसके बाद उसकी एक गाड़ी है किया कैडेंस, जो कि महिंद्रा के क्या बोलते हैं इसको, एक्सयूवी 700 के जैसे 7 सीटर लॉन्च किया। ये जो फोर्ड की गाड़ियां हैं इनके लिए उसने सेल्टॉस लॉन्च किया था। तो ऐसी गाड़ियां बहुत मतलब मार्केट में बहुत आ गई। देखो अभी एक किया सोनेट भी है, जो कि वेन्यू जैसी मतलब है, और किया और हुंडई तो लाइक एक ही कंपनी जैसे है कुछ है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है सिमिलर ही रहता है। लेकिन अभी तक हुंडई की कोई गाड़ी जो किया कार्निवल जैसी नहीं दिखाई थी मार्केट में, पता नहीं कोई हो तो मैंने देखी नहीं होगी, लेकिन गाड़ियाँ बहुत लॉन्च हो गई। देखिए दिखाता हूँ क्या है, देखो ये क्या लग गया, देख रहे हो, ये वेस्ट से बना हुआ है पूरा, किसी ने बनाया है बर्ड, देख रहे हो, बहुत अच्छा काम किया है जिसने भी किया है ना, मस्त बनाया है। तो गाइस अभी मैं निकल गया और अब जा रहा हूँ घर। आज तो क्या बारिश हुई यार, झमाझम एकदम, पूरा बारिश से भर गया है, हर तरफ पानी पानी हुआ पड़ा था। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो। और अभी मैं रास्ते में हूँ और घर जाऊँगा। हर दिन का कुछ ना कुछ रहता ही है यार, क्या करें, इतना सारा काम होता है उसी टाइम नहीं मिलता। और मेट्रो से जाओ चाहे इससे जाओ, बात वही है, रास्ते में आपको मतलब ट्रैफिक जाम है, मेट्रो से जाओ तो उतरना चढ़ना बारिश, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है। तो गाइस अभी घर पहुंचेंगे, ये देखो तीनों पिलर खड़ा हो गया, देख रहे हो, और ये लड़का कैसे बाइक चला रहा है पता नहीं, बहुत गंदे तरीके से बाइक चला रहा है लड़का। तो हर किसी का अपना अपना अंदाज है चलाने का। देख रहे हो बिल्डिंग में लाइट नहीं जल रही, ऐसा नहीं है, लाइट बाहर की है, मतलब फसाड पे इसकी लाइटिंग नहीं है, अंदर में पूरी लाइट, देख रहे हो आप, उसकी डिजाइन ही ऐसी है कि लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, कोई कोई आदमी जैसे मैंने एक क्या बताऊँ, कोई जैसे कोई प्रॉब्लम पड़ जाता है तो कोई आदमी उसका बहुत फ़ायदा उठाता है। जैसे अभी रोज़ रोज़ मैं इधर से आऊँ जाऊँ, देखो क्या बारिश हुई है तो कैसे हो गया है, और रोज़ मैं इधर से ही आते जाते रहता हूँ। मेरा क्या है कि रूटीन है कि कहीं भी आता हूँ मैं गुड़गांव साइड ज़्यादा आता हूँ, मैं दिल्ली नोएडा कम जाता हूँ, जो कि मैं रहता हूँ दिल्ली में ही, तो मेरा ही अपनी चॉइस है, मतलब मेरा काम इधर ही पड़ता है ज़्यादा तो मैं इधर ही आता हूँ। हर किसी का अपना अपना है, जैसे दिल्ली कोई है दिल्ली में ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा जाते हैं कुछ लोग, जिसका जैसा ज़रूरत है वैसा अपना काम करता है, तो मतलब जिसकी जिधर है
उन्हें करते हैं। अभी देखो काम तो कहीं भी किसी को पड़ सकता है, जैसे मैं अभी दिल्ली जाऊँ तो अलग बात है, मैं जाता ही हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ मैं, नोएडा भी जाता हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा भी जाता हूँ, बट टाइम के हिसाब से कब कब क्या काम पड़ेगा कैसा होगा वैसा देख के अपना सोच समझ के तब प्लान करके तब जाते हैं। तो जब मैंने नोटिस किया है इतना ट्रैफिक ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो टाइमिंग पे होता है हर चीज़। और ये बारिश के दिनों में तो थोड़ा दिक्कत दिल्ली में ज़्यादा होती है, दिल्ली में क्योंकि अंडर पास ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है। गुड़गांव में भी होती है दिक्कत, बट उतनी नहीं इतनी। गुड़गांव में वाटर लॉगिंग ज़्यादा है NH पे, जो कि जयपुर को कनेक्ट करती है, उधर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो उधर जाने में दिक्कत है, और कहीं तो उतना नहीं है। ये चीज मतलब मैंने देखा है जाते जाते, इसलिए बता रहा हूँ, और कोई ये नहीं। और एक चीज़ है, यहाँ पे एक बर्ड बना हुआ है जो कि स्क्रैप का बना हुआ है, क्या मस्त है यार, बहुत अच्छा काम किया जिसने बनाया, तो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ये चिड़िया। अभी यहाँ से दिख नहीं रही, नहीं तो मैं दिखा देता, इसी सिग्नल पे है, तो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, वेस्ट से वो बनाया, मेटल का है, गौड़ाया गौड़ाया बनाया। क्या कर रहे हो तुम बताओ, अब बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरा कपड़ा चेक कर रहा है लड़का है, इधर एक बार देखो, इधर देखो, सब कुछ क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सब लोग, एक्सरसाइज किया कि नहीं बाबू, पूछ रहे हैं सब लोग, एक्सरसाइज किया था आज, किया था एक्सरसाइज किया था, उसका वीडियो कहाँ है बताओ, आज नहीं वीडियो बनाया, लड़का एक्सरसाइज किया था आज, किया था एक्सरसाइज किया था बाबू, बता दो। तो गाइस घर आ गए, हाथ मुंह धो ले यार, देखिए लड़का एक्सरसाइज किया था तो बता दो, कैसे किया था, कब किया था बताओ, कैसे किया था, कैसे किया था एक्सरसाइज बताओ, नहीं बताएगा तो अभी खाना खाएंगे। अच्छा हाँ, तो बता दो क्या किया था बता दो, देख रहे हैं लड़के को बहुत बदमाश हो गया है, बता दो, अरे नहीं बताओगे, अभी खाना खाने चलें या नहीं चलें बताओ बताओ। गाइस खाना हो गया, और ये लड़का को देखिए इतनी बदमाशी कर रहा है, अरे इधर देखो, इधर 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 इधर, ये क्या है, ये एक बार देख, कुछ बोल दे बोल दे, यस यस, दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, अरे नहीं अभी अभी एक्सरसाइज नहीं करते बेटा, अरे वाह, हाँ बोलो गाइस, मेरा ब्लॉग देखिए आप लोग, और क्या करना है बता दो। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो, अगर पसंद आया तो बोल दो बाबू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बोल दे, बोलो एक बार तो बोल दो, टाटा कर दो सबको, टाटा कर दो, टाटा कर दो, यस टाटा कर दो, वाह वाह वाह, बाय कर दो, बाय करो, टाटा कर दो, टाटा कर दो।